hello my dear student i hope you all are fit and fine so let's start our today's evs class today we are going to proceed our chapter number 4 that is in emergency situation so in our previous video we have learned about different type of natural calamities and their preventive measures in this video we are going to read about role of people and different organizations during natural calamities so let's start our today's EVS class Hello students let's start our today's EVS class so you know that we have already started our chapter number 4 that is in emergency situations so students in our last video we have discussed about different type of natural calamities and also learn preventive measures to protect ourselves during these conditions now our next topic is that role of people and organizations

पीपल का समूह होता है यानी उसमें कई सारे लोग होते हैं लोगों का ग्रुप होता है जो एक साथ मिल कर के काम करते हैं और उस काम के पीछे उनका एक पर्टिकुलर एम होता है एक विशेष उनका लक्ष्य होता है सो दैट इज़ द मीनिंग ऑफ ऑर्गेनाइजेशन सो टुडे वी आर गोइंग टू लर्न अबाउट रोल ऑफ पीपल एंड ऑर्गेनाइजेशन तो नेचुरल कैलेमिटीज़ के समय लोगों का रोल क्या होना चाहिए एज ह्यूमन बींग हमारी भी कुछ ड्यूटी होती है कि जो लोग विक्टम्स हैं जो लोग परेशान हैं नेचुरल कैलेमिटीज़ से हम उनकी हेल्प कैसे करें हम उस समय कौन सा रोल प्ले करें एंड डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशंस वी हैव विच प्ले अ वेरी इम्पोर्टेंट रोल इन रेस्क्यू मतलब बचाव के लिए तो ऐसे लोगों के बचाव के लिए ये और ऑर्गेनाइजेशंस काम करती है जो लोग नेचुरल कैलेमिटी से पीड़ित होते हैं परेशान होते हैं सो लेट्स स्टार्ट रोल ऑफ पीपल वी मस्ट बी रेडी टू फेस एनी इमरजेंसी वी शुड फॉलो द फॉलोइंग स्टेप्स ड्यूरिंग एन इमरजेंसी सो स्टूडेंट्स एज अ ह्यूमन बींग हमें किसी भी इमरजेंसी को इमरजेंसी मीन्स अ वेरी क्रिटिकल कंडीशन विच कॉज लॉस ऑफ लाइफ प्रॉपर्टी एक्सेट्रा तो कोई भी इमरजेंसी हो हमें उससे फाइट करने के लिए उससे फेस करने के लिए हमेशा रेडी होना चाहिए वी शुड फॉलो द फॉलोइंग स्टेप्स ड्यूरिंग एन इमरजेंसी सो लेट सी दैट वॉट आर द डिफरेंट स्टेप्स विच वी हैव टू फॉलो डू नॉट पैनिक और स्प्रेड र्यूमर्स सो ड्यूरिंग सच इमरजेंसीज वी शुड नाट बी पैनिक पैनिक मीन्स हमें डरना नहीं चाहिए मतलब बहुत ज़्यादा किसी भी चीज़ को लेकर के हमारे अंदर डर नहीं होना होना चाहिए और वी शुड नॉट स्प्रेड रूमर्स रूमर्स का मतलब होता है अफवाह यानी हमें नेगेटिव बातें बिल्कुल नहीं करनी चाहिए लोगों को डराने वाली बातें बिल्कुल नहीं करनी चाहिए हमें उन्हें हिम्मत देना चाहिए बहुत बहुत हमें दुखी नहीं होना होना चाहिए और Uh, इधर उधर की फालतू बात नहीं करनी चाहिए हम मोटिवेशनल बातें करनी चाहिए जिससे कि लोगों के अंदर हिम्मत आए इमरजेंसी सिचुएशन को फेस करने के लिए स्प्रेड इन्फॉर्मेशन दैट कैन बी वैल्यूएबल एज फास्ट एज पॉसिबल तो हमें उस समय क्या करना चाहिए कि वी शुड हमें ऐसे इंफॉर्मेशन फैलाने चाहिए यानी हमें लोगों के साथ कम्युनिकेट करना चाहिए जो बहुत ही वैल्यूएबल हो यानी जो हम उनसे बात करें हमारी बातें कैसी हो उनके लिए वैल्यूएबल हो हमारी बातों से उनका फ़ायदा हो उन्हें हिम्मत मिले तो जितना जल्दी ये पॉसिबल हो सके हमें इस तरीके का इन इंफॉर्मेशन कम्युनिकेट करना चाहिए जिससे लोगों का फ़ायदा हो जो लोग पीड़ित हैं जो लोग इमरजेंसी सिचुएशन को फेस कर रहे हैं लिसन टू द न्यूज़ फॉलो द वार्निंग्स एंड टेक सेफ्टी मेजर्स इन एडवांस तो इट मीन्स दैट वी हैव टू लिसन केयरफुली न्यूज़ एंड वार्निंग्स एंड अकॉर्डिंग टू दैट वी हैव टू टेक सेफ्टी मेज़र्स इन एडवांस यानी ये सब सुन करके न्यूज़ हमें हमें हमेशा न्यूज़ सुनना चाहिए और वार्निंग्स को फॉलोअप करना चाहिए और हमें पहले से ही सतर्क हो जाना चाहिए मतलब कि हमें पहले से ही सेफ्टी मेजर्स ले लेने चाहिए ताकि इमरजेंसी सिचुएशन में हमें प्रॉब्लम न फ़ेस करना पड़े हेल्प विक्टम्स ऑफ द कैलेमिटीज सो विक्टमि विक्टमिन्स अ प परसन दैट इज इंजर्ड किल्ड और हर्ट ड्यूरिंग नेचुरल कैलेमिटीज़ तो हमें ऐसे लोगों की हेल्प करनी चाहिए जो लोग नेचुरल कैलेमिटीज से परेशान हो स्टॉप डिग्रेडेशन ऑफ़ द इन्वायरमेंट सो डिग्रेडेशन मीन्स वी हैव टू स्टॉप डैमेजिंग ऑफ आवर इन्वायरमेंट वी हैव टू स्टॉप डिस्टर्बिंग ऑफ आवर इन्वायरमेंट बिकॉज Uh, environment is very very important for us it is important part of our life so we should not cut trees we should not make our in environment dirty also we have always tried to maintain balance between us and our nature so this is a role done by people so my dear students our next topic is voluntary organizations so let's Clear the meaning of voluntary ऑर्गेनाइजेशन So, voluntary ऑर्गेनाइजेशन्स का मतलब होता है कि ये एक ऐसा ऑर्गेनाइजेशन है जिसमें लोग अपनी मर्जी से एक साथ ग्रुप बना करके काम करते हैं मतलब उन्हें किसी चीज़ का लालच नहीं होता है ना ही पैसे का और ना ही किसी किसी अन्य चीज़ों का वो लोग अपनी स्वेच्छा से अपनी मर्जी से दूसरे लोगों की हेल्प करते हैं उनको सपोर्ट करते हैं सो ऑर्गेनाइजेशंस आर वॉल्ट्री ऑर्गेनाइजेशंस इन विच पर्सन डू समथिंग विदाउट बीइंग फोर्स्ड और पेड टू डू इट बिसाइड्स द गवर्नमेंट मेनी नेशनल इंटरनेशनल एंड नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन दैट इज कॉल्ड एन प्रोवाइड एड एंड सपोर्ट टू द एफेक्टेड पीपल ओके सो बिसाइड गवर्नमेंट मीन्स गवर्नमेंट के अलावा ऐसे बहुत सारे नेशनल ऑर्गेनाइजेशन्स हैं इंटरनल ऑर्गेनाइजेशंस हैं एंड नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशंस भी हैं जो लोग uh, दूसरों की हेल्प करते हैं उनको सपोर्ट करते हैं ऐड का मतलब होता है प्रोवाइड ऐड एंड सपोर्ट ऐड मीन्स हेल्प एंड सपोर्ट टू द एफेक्टेड पीपल तो जो लोग परेशान होते हैं नेचुरल कैलेमिटी से अफेक्टेड होते हैं ये ऑर्गेनाइजेशंस उन लोगों की हेल्प करती है सो so, नेशनल मतलब जो ऐसी ऑर्गेनाइजेशन जो हमारी कंट्री से बिलोंग करती हो इंटरनेशनल मतलब जो देश के बाहर की ऑर्गेनाइजेशन org हो और नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन का मतलब होता है कि सच ऑर्गेनाइजेशन विच डू वर्क अकॉर्डिंग टू इट सेल्फ इट मीन्स दैट इट डज़ नॉट डिपेंड ऑन गवर्नमेंट तो उसका गवर्नमेंट से कोई लेना देना नहीं होता है वो गवर्नमेंट पे डिपेंड नहीं करती है जो एन होती है वो किसी भी गवर्नमेंट पे डिपेंड नहीं करती है वो अपने हिसाब से काम करती है दैट्स वाई वी कॉल देम नॉन गवर्नमेंटल organizations. Some of the organizations are UNICEF. So UNICEF means United Nations International Children's Emergency Fund. So uh, it is in New York. New York का नाम आप लोगों ने सुना होगा ना? तो ये बहुत ही uh, famous organization है और इसका जो uh, head office है, headquarter है वो uh, New York में है। और ये ऑर्गेनाइजेशन uh, बच्चों के लिए काम करती है इट मीन्स दैट इट प्रोटेक्ट्स द राइट ऑफ एवरी चिल्ड्रेन नेक्स्ट वी हैव वाइड वी आई डी ई सो वाइड मीन्स वॉलेंटियर्स फॉर इंडिया डेवलपमेंट एंड इम्पावरमेंट तो ये हमारी कंट्री के लिए काम करती है हमारी कंट्री के डेवलपमेंट के लिए और इम्पावरमेंट uh, के लिए मीन्स uh, उसको इंपॉवर uh, करने के लिए उसको ताकतवर बनाने के लिए इम्पावरमेंट मतलब होता है ताकतवर बन बनना या फिर बनाना अपने uh, अपने आप को इम्पावर करना मतलब शक्तिशाली बनाना तो ये जो वाइड है इट्स वर्क फॉर आवर कंट्रीज डेवलपमेंट एंड एम्पावरमेंट नाउ नेक्स्ट वी हैव क्राई सी आर वाई दैट इज़ चाइल्ड्स राइट एंड यू सो इट इज़ इंडियन नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन एंड इट वर्क टूवर्ड्स इंश्योरिंग हैप्पीअ चाइल्ड हुड फॉर ऑल चिल्ड्रेन तो ये भी बद, ये ऑर्गेनाइजेशन भी बच्चों के लिए काम करती है और ये इस बात का ध्यान रखती है कि सभी बच्चे जो हैं जो अपने चाइल्ड का टाइम है यानी बचपन का टाइम है वो बहुत ही खुशी से स्पेंड करें सो so, स्टूडेंट्स

organization ऑर्गेनाइजेशन दैट इज़ वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन एंड इट डील्स विद health तो ये वर्ल्ड वाइड यानी पूरे विश्व भर में हेल्थ से रिलेटेड वर्क करती है नेक्स्ट वी हैव ऑक्सफोर्ड कमिटी फॉर फैमिली रिलीफ तो ये ऑर्गेनाइजेशन जो है ये फैमिली जब जब नेचुरल कैलेमिटीज़ आता है किसी किसी एरिया में तो uh, क्या होता है उस टाइम कि किसी भी एरिया में बहुत लंबे समय तक जब लोगों को खाना नहीं मिलता है तो दे स्टार्ट डाइंग इन द एबसेंस ऑफ फूड सो सच कंडीशन इज़ कॉल्ड एज अ फैमिली कंडीशन तो ये ऑर्गेनाइजेशन उस कंडीशन में लोगों की हेल्प करती है सो इट इज़ ऑल्सो अ वेरी इम्पॉर्टेंट ऑर्गेनाइजेशन नेक्स्ट वी हैव यूनाइटेड नेशन डिज़ास्टर मैनेजमेंट टीम तो ये ऑर्गेनाइजेशन जो है ये डिज़ास्टर से डील करती है मतलब कि जब नेचुरल uh, कैलेमिटीज़ या मैन मेड कैलेमिटीज़ जब आता है तो यानी कि जो जिसको हम आपदा कहते हैं तो ये डिज़ास्टर के टाइम uh, अपना काम करती है और uh, uh, उस कंडीशन में ये लोगों की हेल्प करती है और ये डिज़ास्टर रिलेटेड uh, जो कंडीशंस होता है ये उससे भी डील करती है नाउ मेनी इंस्टीट्यूशंस एंड चैरिटेबल ग्रुप हेल्प द इफेक्टेड पीपल सो मेनी इंस्टीट्यूशन मीन्स एंड चैरिटेबल ग्रुप्स मीन्स पीपल हु यूज टू डोनेट मनी जो लोग जो लोग मनी डोनेट करते हैं तो उन्हें हम चैरिटेबल ग्रुप्स कहते हैं सो मेनी इंस्टीट्यूशंस एंड चेरीटेबल ग्रुप्स हेल्प द एफेक्टेड पीपल तो जो लोग एफेक्टेड होते हैं मतलब जो लोग नेचुरल कलेमिटी से अफेक्टेड होते हैं या किसी प्रॉब्लम में होते हैं तो ये ऑर्गेनाइजेशंस एंड चैरिटेबल ग्रुप उन लोगों की हेल्प करती है डॉक्टर वर्क फॉर मोबाइल क्लिनिक्स और जो डॉक्टर होते हैं दे वर्क फॉर मोबाइल क्लिनिक सो मोबाइल क्लिनिक्स देर इमरजेंसी मेडिकल फैसिलिटी मोबाइल्स का मोबाइल का मतलब होता है एक जगह से दूसरी जगह मूव करना तो यानी ये ऐसे क्लिनिक होते हैं जो इजीली एक जगह से दूसरी जगह मूव कर सके मींस दिस क्लिनिक्स आर वैन ऑपरेटेड ये क्लिनिक वैन पे होते हैं जो मूवेबल होते हैं और डॉक्टर्स uh, भी होते हैं जो लोग जो विक्टम्स होते हैं जो अफेक्टेड पीपल होते हैं उनकी सेवा करते हैं उनकी हेल्प करते हैं एयर फोर्स फूड वाटर एंड क्लोथ तो एयर फोर्सेस वो हेलीकॉप्टर के हेल्प से फूड वाटर और क्लोथ्स लोगों को सप्लाई करते हैं द आर्मी रेस्क्यू पीपल एंड क्लियस रोड सो दैट रिलीफ कैन रीच द एफेक्टेड एरियाज क्विकली नाउ आर्मी के जो सोल्जर्स होते हैं वो बचाव का काम करते हैं लोगों की हेल्प करते हैं रेस्क्यू का मतलब होता है बचाव करना तो वो लोगों की हेल्प करते हैं और रास्ता भी क्लियर करते हैं लोगों की भीड़ को हटाते हैं ताकि अफेक्टेड एरिया में जिस एरिया में इमरजेंसी है उस एरिया में जल्दी से रिलीफ की चीज़ें यानी हेल्प की चीज़ें मदद की चीज़ों को पहुँचाया जा सके बिज़नेस बिज़नेस हाउसेस स्कूल्स एक्सेट्रा कलेक्ट मनी मेडिसिन एंड क्लॉथ फॉर एफेक्टेड पीपल सो बिज़नेस हाउसेस मतलब कि जो लोग होते हैं जिन लोग के पास पैसा होता है जिन जो लोग बिजनेस करते हैं तो वो लोग क्या क्या करते हैं वो लोग मनी इकट्ठा करते हैं स्कूल हो गया या जो लोग और भी सोसाइटी के लोग होते हैं वो लोग मनी uh, कलेक्ट करते हैं मेडिसिनस को भी कलेक्ट करते हैं कपड़ों को कलेक्ट करते हैं और फिर इन सब चीज़ों को जो लोग अफेक्टेड होते हैं उन लोगों तक पहुँचाया जाता है द न्यूज़ मीडिया सच एज़ रेडियो टेलीविजन एंड न्यूज़ पेपर इन स्योर कवरेज ऑफ द डिज़ास्टर सो दैट इट बिकम्स ईजी टू हेल्प द एफेक्टेड पीपल ओके सो द मीडियाज पीपल मीडियाज पीपल मीन्स न्यूज़ रेडियो टेलीविज़न न्यूज़पेपर, पेपर सो दीज एजेंसीज़ वॉट और दीज थिंग्स वी कॉल न्यूज़ मीडिया तो न्यूज़ मीडिया का मतलब हुआ कि रेडियो टेलीविज़न और न्यूज़पेपर ये क्या करते हैं ये एडोकेट मीन्स ज़्यादे तो ये बहुत ही ब्रॉड लेवल पे अफ़क्टेड एरिया के बारे में लोगों को बताते हैं तो इस एडुकेट uh, कवरेज की वजह से बहुत इजी होता है अफेक्टेड लोगों की हेल्प करना मतलब वो कंप्लीट न्यूज़ लेके आते हैं जो अफेक्टेड एरिया है वहाँ से पूरी न्यूज़ लेके आते हैं और वो न्यूज़ टेलीकास्ट होता है तो इस वजह से इजीली से हम अफेक्टेड पीपल लोगों के कंडीशन के बारे में जान पाते हैं उस एरिया के कंडीशन के बारे में जान पाते हैं और फिर हम लोगों की हेल्प कर पाते हैं अच्छे तरीके से सो so, in this way, you see that how people and how different organizations, they play a very important role in the rescue of uh, those people who are suffering due to natural calamities or emergencies. okay, so let's talk about man-made emergencies. so man-made emergency means such emergency which is created by a man itself. One example we have accidents. What is the reason behind this accidents? Accidents take place due to lack of awareness ka का मतलब कि जब हम छोटी छोटी चीज़ों को ध्यान नहीं देते हैं अवॉइड करते हैं हमारे अंदर जागरूकता की कमी आ गई है हम हम बहुत ही ज़्यादा अलर्ट नहीं हैं एंड ऑल दीज थिंग्स लीड टू इमरजेंसी सिचुएशंस सो स्टूडेंट्स वी हैव टू बी अवेयर हमें हर चीज़ को ध्यान में रखना होगा किसी भी चीज़ को नेगलेक्ट नहीं करना होगा अवॉयड नहीं करना होगा सो आवर नेग्लिजेंस एंड लैक ऑफ अवेयरनेस यानी हम जागरूक नहीं हैं और चीज़ों को नेग नैगलेक्ट कर रहे हैं उन्हें अवॉइड कर रहे हैं उस पर ध्यान नहीं दे रहे हैं दैट्स वाई इमरजेंसी सिचुएशंस आर क्रिएटेड बाई आस when people do not follow the rule and regulation framed for their safety, they are prone to accidents. so prone means likely to suffer any yani chances of accident. Ke. so our country made some rule and regulations for us. these rule and regulation framed for us only, for our safety only. ये रूल और रेगुलेशन इसीलिए बनाए गए हैं ताकि इनको हम फॉलो करें और हम सेफ रहें बट पीपल दे आर नॉट डूइंग सो दे आर नॉट फॉलोइंग रूल एंड रेगुलेशन फ्रेम्ड फॉर देयर सेफ्टी एंड देट्स वाई दे आर प्रोन टू एक्सीडेंट्स सो दैट्स वाई दे आर सफ़र फ्राम डिफरेंट टाइप ऑफ एक्सीडेंट्स फेल्यूर इन मशीन और इक्विपमेंट कैन लीड टू एक्सीडेंट्स सो नो डाउट इफ़ देर इज़ अ फेल्योर इन मशीन और इक्विपमेंट किसी भी किसी भी uh, किसी भी चीज़ का कोई मशीन का पार्ट या किसी सामान का कोई भी पार्ट अगर ख़राब हो जाता है तो इट लीड्स टू ऑल्सो एन एक्सीडेंट्स तो इसीलिए समय समय पे हम अपने मशीन्स को इक्विपमेंट्स को चेक करना चाहिए जैसे टेक एग्जांपल ऑफ व्हीकल्स तो व्हीकल्स की प्रॉपर सर्विसिंग होनी चाहिए तो so, सर्विसिंग जब होगी तो हम जान पाएंगे अच्छे से कि हमारे व्हीकल्स में किस चीज़ की प्रॉब्लम है और फिर उसका हम ट्रीटमेंट भी करा लेंगे मतलब उसको हम ठीक करा लेंगे एंड ड्यू टू दिस वीक कैन कीप आवर सेल्फ सेफ फ्राम एक्सीडेंट्स लेकिन हम अगर ये नहीं करते हैं तो डेफिनेटली वी हैव टू सफ़र एक्सीडेंट्स कॉलीजन बिटवीन ट्रेन्स दो ट्रेन जब आपस में टकराती हैं दैट इज कॉल्ड कॉलीजन डिराइलमेंट डिरालमेंट मीन्स वैन वहीकल यू कैन टेक एग्जाम्पल ऑफ ट्रेन तो वैन वहीकल सच एस ट्रेन रन ऑफ फ्राम इट्स ट्रैक तो जब जब ट्रेन होती हैं अपने ट्रैक से नीचे आ जाती हैं बिकॉज ट्रेन देर ऑन ट्रैक्स ओनली एंड एयर क्रैशेस ऑल्सो लीड टू लॉस ऑफ लाइफ सो दीज एक्सीडेंट्स एयर क्रैशेस लॉट ऑफ लॉस ऑफ लाइफ एंड प्रॉपर्टी फायर एक्सीडेंट्स टेक्स द लाइफ ऑफ मैनी पीपल और जब आग लग जाती है कभी कभी हमारी ही गलतियों की वजह से फायर टेक प्लेस इन इन हॉस्पिटल्स इन हाउसेस इन स्कूल सो दैन ऑल्सो इट इज़ it is also an accident and many people uh, die due to such type of accidents so let us talk about one more man-made emergency that is war so war kamathaputha ladai in इंटरनल वॉर इन अ कंट्री सो वॉर इंटरनल इंटरनल वॉर का मतलब होता है कि देश के अंदर जो लड़ाई होती है एंड सच अ वॉर इज़ बिटवीन ऑर्गेनाइज ग्रुप विद इन द कंट्री और वार्स विथ अदर कंट्रीज में लीड टू लार्ज स्केल डिस्ट्रक्शन ऑफ बोथ लाइफ एंड प्रॉपर्टी तो लड़ाई इंटरनल भी होती है एंड और जो लड़ाई होती है वो बाहर की कंट्रीज के साथ भी होती है सो इन बोथ केसेस वी हैव टू गेट ओनली डिस्ट्रक्शन इन दोनों केसेस में ओनली हमारे पास क्या बचा बर्बादी सो वॉर विच इज इंटरनल और विथ अदर कंट्रीज इट लीड्स टू अ लार्ज स्केल डिस्ट्रक्शन तो एक बहुत ही लार्ज स्केल पे सो लेट्स आवर नेक्स्ट टॉपिक दैट इज टेररिज्म तो स्टूडेंट्स टेररिज्म का मतलब होता है आतंकवाद द टर्म टेररिज्म रेफर्स टू वायलेंट एक्ट्स Which are intended to generate fear for religious, political, or ideological goal. Okay. So, ye jo term hai, ye jo terrorism word hai, it refers to violent acts. So, violent acts ka matlab hota hai, by using our physical strength, by using our physical power and hurt or kill people. And these violent acts they are intended. इंटेंडेड मीन्स दे आर प्री प्लान इट इंटेंडेड का मतलब होता है टू प्लान और मीन टू डू समथिंग सो दीज वायलेंट एक्ट्स दे आर इंटेंडेड टू जेनरेट फीयर इसका मतलब कि ये जो वायलेंट एक्ट्स होते हैं ये इसलिए होते हैं या इसलिए ये किए जाते हैं ताकि लोगों के अंदर डर पैदा हो सके किस लिए इट मीन्स लोगों के अंदर डर पैदा हो सके रिलीजन के नाम पे यानी यानी धर्म के नाम पे पॉलिटिकल मीन्स यानी राजनीति के नाम पे और आइडियोलॉजिकल मीन्स विचार के नाम पे सो बाय क्रिएटिंग फियर फॉर फॉर रिलीजियस मैटर फॉर फॉर पॉलिटिकल इश्यूज एंड फॉर आइडियोलॉजिकल इश्यूज द पीपल दो आर रिस्पॉन्सिबल फॉर टेररिज्म दे कैन कैपेबल टू अचीव देयर गोल यानि वो लोग जो जो टेररिज्म के लिए रिस्पॉन्सिबल हैं उन्हें हम आतंकवादी कहते हैं टेररिस्ट तो जो टेररिस्ट होते हैं उनका यही एम ही होता है कि वो लोगों के अंदर जाति के नाम पर धर्म के नाम पर देश के नाम पर विचारों के नाम पर एक एक डर पैदा कर दें सो इट मीन्स दैट दे करिएट अ ने नगेटिव सेंस इनसाइड पीपल एंड ऑन द नेम ऑफ रिलीजन और पोलिटिकल ईशूज और ऑन द नेम ऑफ आइडियोलॉजिकल थिंग पीपल दे स्टार्ट फाइटिंग विथ ईच अदर द टेरिस्ट मेनली टारगेट द सीविलियंस तो जो टेररिस्ट होते हैं वो मेनली किसे टारगेट करते हैं वो अपना निशाना मोस्टली उन लोगों को बनाते हैं जो लोग सिविलियन होते हैं सिविलियन का मत, मतलब होता है कि सिविलियन पीपल आर कॉमन पीपल सिविलियन का मतलब होता है कि ये ऐसे लोग होते हैं जो ना ही आर्मी के पार्ट होते हैं ना ही ये लोग पुलिस में होते हैं ना ही ये लोग नेवी में होते हैं और ना ही ये लोग एयरफोर्स के पार्ट होते हैं तो कॉमन पीपल होते हैं ये लोग डिफेंस के पार्ट नहीं होते हैं तो जो लोग डिफेंस के पार्ट नहीं होते हैं जैसे कि जो लोग एयरफोर्स uh, में नहीं होते हैं आर्मी में नहीं होते हैं नेवी में नहीं होते हैं या या पुलिस फोर्स में नहीं होते हैं उन लोगों को हम सिविलियन कहते हैं और ये जो टेररिस्ट होते हैं जो आतंकवादी होते हैं ये उन्हीं लोगों को एम बनाते हैं और उन्हीं लोगों के अंदर निगेटिव चीज़ों को भरते हैं ताकि ये लोग आपस में लड़ाई करें सो एज ह्यूमन बीग वी हैव टू कीप आवर सेल्फ फ्रॉम दिस टेररिज्म ऑल्सो

प्रिवेंटिव मेजर इज़ दैट लिव इन पीस एंड हारमोनी तो हमें आपस में एक साथ तालमेल बना करके रहना चाहिए पीस मतलब होता है शांति और हारमोनी मतलब होता है तालमेल यानी शांति से एक साथ तालमेल बना करके रहना चाहिए फॉलो ऑल द सेफ्टी रूल्स वाइल ड्राइविंग और वॉकिंग ऑन द रोड तो रोड पे चलते समय जितने भी सेफ्टी रूल हैं और वॉकिंग के रूल हैं हम सब फॉलो करना चाहिए यानी सेफ्टी रूल्स वाइल ड्राइविंग यानी सेफ्टी रूल्स गाड़ी चलाते समय जो सेफ्टी सेफ्टी रूल्स है उसे फॉलो करना चाहिए और वॉकिंग करते समय भी हमें ध्यान देना चाहिए रूल्स को फॉलो करना चाहिए डो नॉट टच एनी अन आइडेंटिफाइड ऑब्जेक्ट इन और अराउंड पब्लिक प्लेसेस लाइक बसेस ट्रेन शॉपिंग मॉल्स थिएटर्स एक्सेट्रा इट कुड बी एन एक्सप्लोसिव डिवाइसेस तो अगर हम बस में ट्रेन में शॉपिंग मॉल में थिएटर्स में हैं तो हमें इस चीज़ का ध्यान रखना चाहिए कि किसी भी पब्लिक प्लेस पे अगर हैं तो हमें यह ध्यान देना चाहिए कि कोई भी अन आइडेंटिफाइड ऑब्जेक्ट को नहीं टच करना चाहिए यानी जो सामान लावारिस है, जो अलग से कहीं पड़ा हुआ है उसको बिल्कुल टच नहीं करना चाहिए वो एक्सप्लोजिव भी हो सकता है वो बॉम्ब भी हो सकता है सो फॉर सच अन आइडेंटिफाई ऑब्जेक्ट वी हैव टू कॉल पुलिस अगर हमें लगे कि ये ऑब्जेक्ट जो है अन आइडेंटिफाइड है ये ऐसे ही पड़ा हुआ है बहुत देर से और कोई इसको ये कोई इसको ले कर नहीं जा रहा है तो हमें इमिडिएटली पुलिस को कॉल करके इंफॉर्म कर देना चाहिए पीपल हैंडलिंग ट्रेन एरोप्लेन एंड बसेस शुड बी वेल ट्रेंड टू बी एबल टू कोप विथ एनी एमरजेंसी ओके तो जो लोग ट्रेन को ड्राइव करते हैं या एरोप्लेन्स को चलाते हैं बसों को ड्राइव करते हैं वो लोग बहुत ही वेल well ट्रेंड होने चाहिए यानी अपने काम में बिल्कुल एक्सपर्ट होने चाहिए ताकि अगर कोई भी इमरजेंसी हो सो दे कैन कैपेबल टू फाइट और एडजस्ट विद दैट इमरजेंसी डिज़ास्टर मैनेजमेंट ड्रिल्स शुड बी प्रैक्टिसाइज फ्राम टाइम टू टाइम इन हाउसेस स्कूल्स ऑफिस कॉलोनीस एंड अदर ऑर्गेनाइजेशन सो डिजेस्टर मैनेजमेंट ड्रिल्स यानी आ, टूल्स ऐसे टूल्स जिससे हम डिजेस्टर मैनेजमेंट के साथ डील करते हो अपने आप को सेफ रखते हो डिज़ेस्टर मैनेजमेंट से तो ऐसे ड्रिल्स या ऐसे टूल्स शुड बी प्रैक्टिसाइज मतलब कि उनका यूज़ होना चाहिए घर घर में या स्कूल में ऑफिस में या कॉलोनी में टाइम टू टाइम उसके प्रैक्टिस को Uh, लोगों को बताना चाहिए कि उनका कैसे यूज़ करना है कि अगर कोई प्रॉब्लम हो या कोई डिजेस्टर आता है तो घरों में ऑफिस में कॉलोनी में लोग इतने ट्रेंड होने चाहिए कि वो डिजेस्टर मैनेजमेंट ड्रिल्स के साथ डील कर सकें उनको यूज़ कर सकें सो लेट्स टॉक अबाउट द लास्ट टॉपिक ऑफ आवर चैप्टर दैट इज़ फर्स्ट एड एंड इट्स इम्पोर्टेंस द इमीडिएट ट्रीटमेंट गिवन टू द पेशेंट बिफोर द डॉक्टर अराइव इन टाइम ऑफ इमरजेंसी सच एज डिजास्टर एंड एक्सीडेंट्स इज़ कॉल्ड फर्स्ट एड ओके सो फर्स्ट एड इज़ एन इमीडिएट मेडिकल हेल्प विच इज़ गिवन टू द पेशेंट बिफोर द डॉक्टर अराइव तो ये मेडिकल ट्रीटमेंट है जो डॉक्टर के आने के पहले पेशेंट को दिया जाता है उसी को हम फर्स्ट एड कहते हैं फर्स्ट एड प्लेज एन इम्पॉटेंट रोल इन सेविंग पर्संस लाइफ इट प्रिवेंट द इंजुरीज फ्राम गेटिंग वर्स ओके सो रियली फर्स्ट एड प्लेज अ वेरी इम्पॉर्टेंट रोल बिकॉज इट्स सेवस द प परसंस लाइफ डॉक्टर के आने के पहले कोई भी अगर इमरजेंसी हो जाती है तो हम फर्स्ट एड देते हैं पेशेंट को हम फर्स्ट एड के थ्रू कुछ देर तक कंट्रोल कर पाते हैं एंड दिस एंड बिकॉज ऑफ दिस वी कैन सेव्स पर्संस लाइफ सो फर्स्ट एड प्लेज एन इम्पॉर्टेंट रोल इन सेविंग पर्संस लाइफ इट प्रिवेंट्स द इंजुरीज फ्रॉम गेटिंग वर्स तो अगर छोटी मोटी जो भी इंजुरीज होती है उसको हम फर्स्ट एड के थ्रू ट्रीट कर लेते हैं ठीक कर लेते हैं उसका कंडीशन जो होता है वर्स नहीं हो पाता है उसका इंजरी का कंडीशन ख़राब नहीं हो पाता है वो ठीक हो जाता है ओनली बिकॉज ऑफ फर्स्ट एड Some of the ways by which care can be taken in case of emergencies are as follows so here some preventive measures are given some uh, some care is given that you can apply in emergency conditions emergency if you have idea if you have knowledge that how you can deal with that emergency situation so you can be capable to deal and यू कैन कैपेबल टू फाइट अगेंस प्रॉब्लम ऑल्सो सो लेट्स टॉक अबाउट इनकेस ऑफ नोज ब्लीड मेक द पर्सन सिट अपराइट विथ हिज हैड हेल्ड बैक एंड प्रेस द नोज फर्मली आक्स हर टू ब्रीथ विथ हर माउथ ऑल्सो अप्लाई एंड आइस पैक ऑन द नोज तो अगर घर में किसी की नोज ब्लीडिंग हो रही हो तो उस कंडीशन में तुम क्या करोगे सो यू हैव टू मेक द पर्सन सिट अप राइट तो उस पर्सन को सीधा बैठा दोगे वर्टिकल पोजिशन में और उसकी हेड को पीछे कर दोगे और उसकी नोज़ को फॉर्मली यानी एक जगह उसके नोज़ को पकड़ के प्रेस कर दोगे उसको हिलाओगे डुलाओगे नहीं और उसको बोलोगे कि वो मतलब पेशेंट के पेशेंट को बोलोगे कि वो मुँह से सांस लेगा एंड यू हैव टू अप्लाई एन आइस पैक ऑन द नोज़ और नोज़ के ऊपर क्या करोगे आइस पैक को अप्लाई कर दोगे आपके घर में फ्रिज होता है सो बाई द हेल्प ऑफ फ्रिज यू कैन टेक आइज एंड दैट आइज यू जस्ट अप्लाई ऑन द नोज ऑफ द पेशेंट एंड पेशेंट गेट रिलीफ नेक्स्ट वी हैव इन केस ऑफ स्प्रेन अप्लाई एन आइस पैक टू द एफेक्टेड एरिया एंड टाई अ क्रीप बैंडेज सो समटाइम्स स्प्रेन टेक प्लेस स्प्रेन का मतलब होता है मोच आ जाना जब हम सीढ़ियों से कभी कभी गिर जाते हैं तो पैर में क्या होता है मोच आ जाता है सो एट दैट टाइम वी हैव टू अप्लाई एन आइस पैक उस टाइम भी हमें अपने अफेक्टेड एरिया पे जहाँ पे हमें स्प्रेन आया है मोच आया है उस एरिया में हमें आइस पैक अप्लाई करना चाहिए एंड वी हैव टू टाई दैट अफेक्टेड एरिया विद अ क्रीप बैंडेज अब ये क्रीप बैंडेज क्या है सो क्रीप बैंडेज इट इज़ मेड अप ऑफ लाइट कॉटन एंड इट सपोर्ट्स द एफेक्टेड एरिया अब ये जो क्रिप बैंडेज होता है ये बहुत ही कॉम्प्रेसिव होता है मतलब अगर हमें स्प्रेन आता है लेग्स में तो क्या होता है वह एरिया स्वेल हो जाता है सो दिस क्रिप बैंड हेल्प टू कंप्रेस दैट स्वेलन और स्वेलिंग एरिया तो ये क्या करता है कि वो जो सोलन पार्ट होता है स्वेलन पार्ट को ये कम्प्रेस करता है एंड वी कैन फील रिलीफ If it is a fracture और अगर वो fracture है मान लो कि अगर वहाँ की हड्डी टूट गई हो fracture का मतलब क्या होता है कि आ, broken bone तो वहाँ की अगर वहाँ fracture हुआ हो तो give support to the broken bone with a temporary splint तो उस broken bone को हमें temporary splint से क्या करना चाहिए आ, support करना चाहिए अब अब ये splint क्या है तो टेम्प्रोरी splint का मतलब होता है अ पीस ऑफ वुड और मेटल टाइट टू अ ब्रोकन लेग टू कीप इट इन राइट पोजिशन तो जो स्प्लिंट तुम यूज़ करते हो तो उससे क्या होगा कि जो ब्रोकन बॉन होगा उसको सपोर्ट मिल जाएगा और वो राइट पोजिशन में ही रहेगा और एंड आफ्टर दैट यू मे गो टू द डॉक्टर नेक्स्ट वी हैव इन केस ऑफ बर्न्स अप्लाई कोल्ड वाटर और आइस ऑन द एफेक्टेड एरिया अगर कोई जल गया हो तो उसके ऊपर भी हमें कोल्ड वाटर अप्लाई करना चाहिए और आइस भी एफेक्टेड एरिया के ऊपर अप्लाई करना चाहिए तो चाहे कोल्ड वाटर हम यूज़ कर लें या फिर हम आइस यूज कर लें एफेक्टेड एरिया पे। ऑल्सो अप्लाई एन एंटीसेप्टिक लोशन टू अवॉइड इन्फेक्शन सो एंटीसेप्टिक लोशन भी उस जले हुए पार्ट पे अप्लाई करना चाहिए ताकि किसी तरह का इन्फेक्शन ना हो तो इन्फेक्शन को अवॉइड करने के लिए वी हैव टू यूज एन एंटीसेप्टिक लोशन इन केस ऑफ फायर इन अ बिल्डिंग ड्यू टू शॉर्ट सर्किट और एन इलेक्ट्रिक गैजेट जस्ट स्विच ऑफ द मेन पावर सप्लाई इंस्टेड ऑफ थ्रोइंग वाटर ओके तो अगर बिल्डिंग में घर में स्कूल में कहीं भी अगर शॉर्ट सर्किट के वजह से आ, या इलेक्ट्रिक गैजेट की वजह से आग लगती है तो अगर मतलब ऐसा इट मीन्स अगर इलेक्ट्रिसिटी के थ्रू घर में या आ, आ, कहीं भी किसी भी जगह ऑफिस में अगर आग लगती है तो वी हैव टू कट द मेन पावर सप्लाई उस पर पानी नहीं फेंकना चाहिए जितना पानी फेंकेंगे बिकॉज वाटर इज़ अ गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी वाटर जो है वो इलेक्ट्रिसिटी को अपने अंदर से पास होने देता है तो वाटर जो है कि वो इलेक्ट्रिसिटी का गुड कंडक्टर है तो इसलिए कभी भी अगर इलेक्ट्रिसिटी की वजह से आग लगे बिजली की वजह से आग लगे शॉर्ट सर्किट की वजह से अगर आग लगती है तो प्लीज़ डोंट थ्रू वाटर इंस्टेड ऑफ थ्रोइंग वाटर यू हैव टू स्विच ऑफ द मेन पावर सप्लाई तो आपके घर में जहाँ से मेन पावर की सप्लाई होती है वहाँ से आप इलेक्ट्रिसिटी की सप्लाई को कट कर दीजिए नेक्स्ट वी हैव इफ someone clothes catch फायर ask द पर्सन टू स्टॉप एंड मेक हिम और हर रोल ऑन द ग्राउंड तो अगर मान लो किसी के कपड़े में आग लग गई हो तो उस पर्सन को उस आदमी को वहीं रोक दो और उसको बोलो कि वो ग्राउंड पे रोल होना स्टार्ट हो जाए यानी ग्राउंड पे रोल करना स्टार्ट कर देगा तो इससे क्या होगी कि उसको उसके शरीर में जो आग लगी है वो वो बंद हो जाएगी ऑल्सो रैप द पर्सन इन द थिक ब्लैंकेट इन ऑर्डर टू कट ऑफ द सप्लाई ऑफ एयर या फिर उस जिस जिसके शरीर में आग लगी हो उस आदमी के शरीर को एक ब्लैंकेट थिक ब्लैंकेट थिक मतलब होता है मोटा और ब्लैंकेट का मतलब होता है कंबल। तो उसकी बॉडी में एक ब्लैंकेट को रैप कर दो लपेट दो तो इससे क्या होगा बाय डूइंग दिस यू कैन कट ऑफ द सप्लाई ऑफ एयर तो एयर की सप्लाई क्या हो जाएगी कट हो जाएगी यानी जो ब्लैंकेट तुमने बॉडी में रैप किया पर्सन uh, की बॉडी में जिसके शरीर में आग लगी है तो जैसे ही ब्लैंकेट हमने रैप किया तो क्या हो जाएगा ऑक्सीजन की सप्लाई उसके बॉडी तक नहीं पहुंच पाएगी एंड यू नो दैट बर्निंग नीड वॉट ऑक्सीजन तो ऑक्सीजन ऑलवेज प्रमोट बर्निंग तो जब हम ऑक्सीजन को ही कट कर देंगे तो उसके शरीर में जो आग लगी है वो क्या हो जाएगी वो बंद हो जाएगी सो दीज आर द प्रिवेंटिव मेजर्स बाय विच यू बाय विच यू कैन fight with a certain emergencies which take place at your home. To in emergencies in preventive measures koha mesha dhyan and this is all about the chapter. So that's all for today's class. Question and answers uh, I will give you in the form of PDF and by the help of that PDF you have to complete the writing work of this chapter. So my dear student that's all for today's class now you have to learn and revise this chapter again and again so read the lesson at least 2 to 3 times if you have any doubt regarding this lesson please you can call me or you can write in group also till that stay healthy stay home use mask and sanitizer Thanks for watching this video.